हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ आम की जलेबी। खाना सभी को पसंद होता है, आप लोग को इन गर्मियों के दिनों में आम जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों की जलेबी कैसे बनी। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जलेबी के लिए चाशनी तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आधा बाउल चीनी डाल देती हूँ, एक बाउल पानी। अब यहाँ पे ऐड करूँगी इलायची, इसको मैंने तोड़ लिया है। अब गैस को ऑन कर दूँगी। चाशनी को हमें बहुत ना गाढ़ा चाहिए ना बहुत पतला चाहिए। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देती हूँ, तब तक मैं जलेबी का बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 1 बाउल मैदा, इसको ऐड करूँगी। ऐड करूँगी 2 चम्मच दही, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, इसी से ऐड करूंगी 2 चम्मच आम पल, 2 चम्मच और ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच पानी, इसको मिक्स करूंगी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं हमारा बैटर पतला हो जाएगा। 2 चम्मच मैं पानी और डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो जलेबी के लिए बैटर इस तरह से बनाना है। तो बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसको फर्मेंट होने के लिए मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ढक कर। तब तक मैं चाशनी देख लेती हूँ। तो चाशनी गाढ़ी होकर पक गई है। हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ढक के इसको रख देती हूँ ताकि ये गरम रहे। तब तक मैं जलेबी बना लेती हूँ। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं जलेबी का बैटर देख लेती हूँ। ये फॉर्मेट होकर एकदम से सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं और मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं जलेबी चल के बना लेती हूँ। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक केक लिया है इस तरह से, सॉस की बोतल। तो आप लोग इसकी जगह पर पन्नी ले सकते हैं, जो आती है दूध वाली, आप उसमें भर के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ बटर को। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल मैंने यहाँ पे मूँगफली का लिया है, आप यहाँ पर रिफाइन ले सकते हैं। तो चलिए मैं जलेबी बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने केप से सारी जलेबियाँ बना ली हैं। अब इसको ब्राउन होने तक मैं पकने देती हूँ। एक तरफ ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे पकाऊँगी। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो हमारी जलेबी जल जाएगी अंदर से। हमारी जलेबियाँ अब एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, मैं इसको पलट देती हूँ। तो सारी जलेबी को एक तरफ से मैंने पलट दिया, एक तरफ मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है ये, दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक जाएगी। तो ये दोनों तरफ से हमारी जलेबी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारी जलेबियाँ बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको चाशनी में डुबा देती हूँ। चाशनी हमारी थोड़ी गर्म होनी चाहिए ताकि ये जलेबी हमारे अच्छे से इसमें रस भर जाए अच्छे से। चाशनी अच्छे से जलेबी में लग गई है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो पेड़ से गर्मा गर्म आम की जलेबी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल एकदम कुरकुरी रसीली जलेबी है, मुंह में घुल जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने बादाम से डेकोरेट कर दिया है। इसका लुक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आम की जलेबी आप लोग को कैसी लगी? अगर यह आम की जलेबी की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।